दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन का समय रह गया है। एक ओर जहां दिल्ली में 11 फरवरी को ये साफ हो जाएगा कि आगे के 5 साल दिल्ली की कमान कौन सी पार्टी संभालेगी, वहीं दिल्ली के नेता अभी तक पार्टियों को अदलने बदलने में लगे हुए हैं। सबसे ताजा मामला आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को लेकर है, जिन्होंने आपका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। मनोज कुमार कोंडली से विधायक हैं और उनका कहना है कि मैंने पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी का दामन थामा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की ओर से मनगढ़ंत नीतियां चल रही हैं और जनता को सपने दिखाए जा रहे हैं। बहुत मेहनत के साथ इस वृक्ष पर फल लगाए गए थे, लेकिन आज इस वृक्ष पर सिर्फ कांटे ही कांटे हैं। मोदी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि देश बदला है, अब दिल्ली की बारी है। मनोज कुमार ने शुरुआती दौर में अन्ना आंदोलन में भाग लिया था और इस आंदोलन से प्रेरित होकर क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आए थे। 2015 के चुनाव में मनोज ने भाजपा के नेता को 25,000 वोटों से हराया था। आम आदमी पार्टी ने इस बार मनोज कुमार को टिकट नहीं दिया, जिस पर वे नाराज बताए जा रहे थे। अंत में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। कोंडली से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार को टिकट दिया है। कोंडली विधानसभा सीट पर अगर मतदाताओं की संख्या की बात करें तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 188,607 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 102,592 है और महिला मतदाताओं की संख्या 86,003 है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस बार कई विधायकों का टिकट काटा है और पिछले कुछ दिनों में चुनाव से ठीक पहले कई नेता पार्टियों को बदलने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।